हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग 5 को पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 4 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा जरूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की कैसी दशा थी। हमने ये भी जाना था कि औपनिवेशिक शासकों ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई थी जिसकी वजह से भारत के विदेशी व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान देखना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। आज हम औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि औपनिवेशिक शासकों ने भारत की आधारिक संरचना को सुधारने के लिए कोई कदम उठाया था या नहीं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आधारिक संरचना होती क्या है? वॉट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? किसी देश की बुनियादी भौतिक प्रणालियों को आधारिक संरचना कहा जाता है, जैसे परिवहन, संचार, मल की सुविधा, बिजली व्यवस्था आदि सब आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। आधारिक संरचना किसी भी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में रेलों, जल परिवहन वे डाक तार आदि जैसी सेवाओं का विकास हुआ, लेकिन औपनिवेशिक शासकों द्वारा ऐसा करने के पीछे भारत के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, बल्कि ये कार्य वे अपने देश ब्रिटेन तथा अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए कर रहे थे। भारत अंग्रेजी शासन से पहले भारत में बनी हुई सड़कें औपनिवेशिक शासकों के हिसाब से ठीक नहीं थीं, क्योंकि वो आधुनिक यातायात के लिए उचित नहीं थीं। यह भी स्वाभाविक था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था, क्योंकि ऐसी सड़कों पर पानी भरने की स्थिति भी पैदा हो जाती थी। इसलिए औपनिवेशिक शासकों ने भारत में नई सड़कों का निर्माण किया, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो देश के भीतर अपनी सेनाओं के आवागमन को आसान कर सकें और भारत के भीतरी क्षेत्रों से कच्चा माल पास के रेलवे स्टेशन तक आसानी से पहुंचा सकें। इस तरह माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों में पहुंचाना आसान हो जाता था। अंग्रेजों ने भारत में रेलों का आगमन भी कराया था। 1850 में इसका आरंभ हुआ था। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को
दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया था। पहला था कि इससे भारत के लोगों को भू क्षेत्रों तथा सांस्कृतिक बाधाओं को कम कर लंबे यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हो रहा था और इससे लोगों को एकजुट होने की भी ताकत मिल रही थी। दूसरी ओर भारत के कृषि क्षेत्र और किसानों को इससे तकलीफ हो रही थी क्योंकि रेलों के आ जाने से कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ गया था और इन सभी चीजों से किसानों को काफी नुकसान हो रहा था। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक शासक ने समुद्री जल मार्गों पर भी अपना ध्यान दिया था, लेकिन यह उपाय अनइकोनॉमिकल मतलब अमित व्यय थे। भारत में विमान सेवाओं को भी लाया गया था। जो पहली कंपनी थी वो टाटा एयरलाइंस थी, जिसकी स्थापना 1932 में हुई थी। दूसरी ओर डाक सेवाओं की भी स्थापना 1837 में हुई थी। टेलीग्राफ लाइन भी लगाई गई थी। इसे 1857 में भारत में लगाया गया था, जिससे जनता को सुविधा प्रदान हो सके, लेकिन वे बहुत ही अपर्याप्त थीं। औपनिवेशिक शासकों का मुख्य उद्देश्य देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने था, इसलिए उन्होंने डाक तथा तार सेवाएं लाई थी। दोस्तों, औपनिवेशिक शासकों ने जितने भी कदम उठाए थे, वो सभी अपने निजी स्वार्थ तथा अपने देश ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के लिए उठाए गए थे, तथा भारत में रेल, डाक जैसी सेवाएं भी अपने निजी स्वार्थ के लिए ही उपलब्ध कराई गई थी। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान बुनियादी ढांचे की स्थिति के बारे में जाना कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी कंडीशन थी। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल के दौरान भारत की जनसंख्या स्थिति के बारे में जानेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि डेमोग्राफिक कंडीशन, जिसे जनसंख्या स्थिति बोला जाता है, इसकी औपनिवेशिक काल में क्या अवस्था थी। दोस्तों, जनसंख्या हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और दूसरा टॉपिक है औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवसायिक संरचना की स्थिति। व्यवसायिक संरचना को ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है और कॉलोनियल पीरियड में इसकी कैसी अवस्था थी, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।